इस वक्त देश की राजनीति में दो भाइयों का नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, राहुल गांधी और उनके छोटे भाई वरुण गांधी, जो मन से गांधी है लेकिन राजनीति की शुरुआत ही बीजेपी से की। 2004 से अब तक वरुण गांधी बीजेपी के साथ ही रहते आए हैं, लेकिन अब उनके बगावती सुर बुलंद होते जा रहे हैं तो उनके कांग्रेस में आने की तमाम अटकलें भी लगनी शुरू हो गई है। लेकिन वरुण गांधी अगर बीजेपी छोड़ते हैं तो उनके पास ऑप्शंस क्या है? लंदन से पढ़ाई करने वाले वरुण गांधी हाईकमान के खिलाफ लगातार मुखर रहने की वजह से पिछले 10 सालों से बीजेपी में हाशिए पर हैं। पहले महासचिव पद छीना गया, फिर कार्यकारिणी से भी बाहर किया गया। मां मेनका गांधी को 2019 में मंत्रिमंडल में भी जगह नहीं मिली। अब वरुण गांधी पीलीभीत से सांसद है, अपने क्षेत्र में जाते रहते हैं और खूब भाषण देते हैं। इन मंचों को भी ध्यान से देखेंगे तो बीजेपी का प्रचार कम ही होता दिखता है, बल्कि सवालों की झड़ी लगाई जाती है। खैर, ऐसे में वरुण गांधी को भी कहीं ना कहीं अंदाजा है कि बीजेपी 2024 में उन्हें टिकट तो नहीं देगी। ऐसे में उनके पास जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है अपने असली परिवार कांग्रेस में जाना। हाल ही में वरुण गांधी का एक बयान काफी सुर्खियों में रहा, जिसमें उन्होंने कहा कि वो ना तो कांग्रेस के खिलाफ है और ना ही नेहरू के खिलाफ। उन्होंने कहा था कि हमारी राजनीति देश को आगे बढ़ाने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने के लिए। मैं ना कांग्रेस के खिलाफ हूँ, ना पंडित नेहरू के खिलाफ हूँ। हमारे देश की राजनीति हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। आज जो लोग केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनसे हम ये प्रश्न तो पूछें कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, हमको राजनीति नहीं करनी है जो लोगों को दबाए, हमको राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। राहुल गांधी ने यूपी में यात्रा से पहले एक बयान में कहा था कि अगर वरुण गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते हैं तो उनका स्वागत है। हालांकि राहुल ने ये भी कहा था कि वो बीजेपी से है, दिक्कत करेंगे वो। इस बयान के बाद हर किसी की नजर यूपी की भारत जोड़ो यात्रा पर थी। वरुण गांधी अपने बड़े भाई के साथ कदम ताल करेंगे या नहीं? वरुण गांधी तो नहीं आए। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी बताया कि वो राहुल या अपनी बहन प्रियंका गांधी से नहीं मिलते हैं, लेकिन मीडिया खबरों के मुताबिक प्रियंका गांधी लगातार वरुण गांधी से संपर्क में बनी हुई है। वरुण की कांग्रेस में एंट्री की जिम्मेदारी उन्हें ही दी गई है। कांग्रेस में वरुण गांधी का किसी भी वक्त स्वागत होगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वरुण के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि यूपी में लोकल पार्टी जैसे सपा हो गई, बसपा हो गई, आरएलडी हो गई, इनका धौस ज्यादा है। तो कांग्रेस में जाने के बाद क्या वो अपनी सीट बचा पाएंगे? हो सकता है कि वरुण गांधी इसी समीकरण को समझने के लिए इंतजार कर रहे हो और सही समय पर सही फैसले का भी इंतजार कर रहे हो। अब वरुण गांधी के पास दूसरा ऑप्शन क्या है? यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भी वरुण गांधी के सपा या आरएलडी में शामिल होने के कयास लगे थे। खबर थी कि अगर वरुण गांधी इन दलों में शामिल होते हैं तो उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि अटकलें सही साबित नहीं हुई। बावजूद इसके वरुण गांधी लगातार लखीमपुर खीरी और किसानों को लेकर सरकार की नीतियों पर निशाना साधते रहे। अगर वरुण बीजेपी से अलग होते हैं तो वो एक बार फिर से सपा या आरएलडी में आ सकते हैं। हालांकि बसपा का ऑप्शन भी उनके सामने खुला हुआ है। यहाँ कुछ जानकार मानते हैं कि वरुण को शायद अखिलेश यादव अपनी पार्टी में आने का न्योता ना दे, क्योंकि दोनों ही नेताओं को मीडिया अटेंशन खूब मिलती है और ये दोनों अपने विरासत की राजनीति से जुड़े हैं। ऐसे में अगर वरुण गांधी सभा में आ जाते हैं और उन्हें अगर ज्यादा अटेंशन मिलने लगती है तो क्या पता अखिलेश यादव को इससे परेशानी हो। खैर, ये एक राजनीतिक ख्याल है। दूर की देखे तो वरुण गांधी अगर सपा में आते हैं तो अखिलेश और वरुण दोनों के लिए अच्छा साबित हो सकता है। आरएलडी के जयंत चौधरी से भी वरुण गांधी हाथ मिला सकते हैं। सपा और आरएलडी गठबंधन में है और यूपी में बीजेपी को यही टक्कर दे सकता है। वरुण गांधी के पास तीसरा और जो अक्सर दिग्गज नेता पार्टी से अलग होकर करते हैं, अपनी पार्टी बना लेते हैं, वरुण गांधी भी ऐसा कर सकते हैं। वरुण गांधी अगर कांग्रेस, सपा, आरएलडी या बीएसपी में शामिल नहीं होते हैं तो उनके सामने अपनी नई पार्टी बनाने का ऑप्शन भी है। यूपी विधानसभा चुनाव 2017 से पहले वरुण यूपी बीजेपी का एक बड़ा चेहरा हुआ करते थे और बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं में शामिल थे। 2017 में वो मुख्यमंत्री पद की रेस में भी शामिल थे। हालांकि बाद में बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री घोषित किया। इसके बाद वो पार्टी में किनारे लगते चले गए।
ऐसे में माना जा रहा है कि वरुण गांधी अभी नई पार्टी भी बना सकते हैं, हालांकि इसकी संभावना थोड़ी कम है। ऐसे में देखना होगा वरुण गांधी अपने लिए कौन सा रास्ता चुनते हैं।